हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाय कंपटीशन क्लासेस। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में। तो अगर हम बात करें बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में, तो हमने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल नोट करा दिए गए हैं। अगर उनमें से जो जो प्रैक्टिकल्स आपके यहाँ अगर हुए हैं आपके कॉलेजेस में, तो आप उस प्रैक्टिकल को ज़रूर नोट करें। हमने पहला प्रैक्टिकल नोट कराया था रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का, दूसरा सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, तीसरा नोट कराया था सेपरेशन ऑफ शुगर बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आप तीन प्रैक्टिकल हो गए। आज हम चौथे प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे। जनरली सारे यूनिट, जितने यूनिट आपको सेमेस्टर सेकेंड में प्रैक्टिकल्स में दिए गए हैं, उस सारे यूनिट में से आपको एक एक प्रैक्टिकल्स लिखने होते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किया गया था कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से प्रैक्टिकल करने होंगे, आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल्स है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ओनियन, अथवा इसका ऑब्जेक्ट इस तरीके से भी लिखा जाता है। आपको ऑब्जेक्ट बताया जाएगा किस टाइप से लिखना है। ऑब्जेक्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम ओनियन, यानी आप जो प्याज है, ओनियन है, उसके द्वारा आप डीएनए का आइसोलेशन कैसे करेंगे, इसमें बताया गया है। अगला हम देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। तो इस प्रैक्टिकल में बहुत आसानी से प्रैक्टिकल्स हो जाता है, क्योंकि बहुत कम ही चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है डीएनए का एक्सट्रैक्शन करने के लिए ओनियन के साथ। तो रिएजेंट अगर हमें चाहिए तो NaCl का सोलूशन चाहिए, यानी सोडियम क्लोराइड का। अगला जो दूसरा चाहिए, 95% एथेनॉल चाहिए अथवा आइसोप्रोपेनॉल चाहिए। तीसरा जो चाहिए, लिक्विड डिटर्जेंट चाहिए। तो जनरली सबके यहाँ सारे कॉलेज में ये प्रैक्टिकल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिएजेंट की भी रिक्वायर्ड नहीं है, और मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऐसे हार्मफुल केमिकल्स भी इसमें नहीं लगते हैं। तो आप रिक्वायरमेंट में ये तीनों चीज़ें लिखेंगे। अब हम चलते हैं, इंट्रोडक्शन लिखेंगे और प्रोसीजर देखेंगे कैसे कैसे करेंगे आप। इंट्रोडक्शन में देखेंगे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। डीएनए इज लॉन्ग मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो आपके डीएनए होते हैं किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। अगर हम बात करें इन यूकैरियोटिक सेल, आपकी सेल्स कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप की सेल्स आप पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स में, तो डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस। तो डीएनए न्यूक्लियस में ऑर्गेनाइज किया जाता है एज ए क्रोमोसोम के रूप में। इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट इन आइसोलेट डीएनए, इट इज फर्स्ट रिलीज्ड आउट ऑफ द सेल्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो उसे क्या बोलते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बोलते हैं। जरूरी नहीं आप इंट्रोडक्शन में सारा पार्ट ही लिखें, पूरा ही लिखें, आप दो चार लाइन बस लिख के भी आप अगला स्टेप लिख सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में इतनी सारी चीज़ें लिखना जरूरी नहीं है। दिस प्रोसेस फ्रीज फ्रॉम डीएनए फ्रॉम द सेल एंड देन सेपरेट इन इट फ्रॉम सेलुलर फ्लूइड एंड प्रोटीन्स, रिजल्टिंग इन द आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए। डीएनए एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप। जो डीएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं, बहुत इतने स्टेप में इन्वॉल्व होती हैं। अब पहला स्टेप देखेंगे, द सेल ऑफ द न्यूक्लियस आर ब्रोकन एंड ओपन टू रिलीज डीएनए इनसाइड बाई रेसिंग यूजिंग मोटर एंड पेस्टल आर यूजिंग ब्लेंडर। तो किसका यूज करेंगे, मोटर था, पेस्टल था, ब्लेंडर का यूज करते हुए उसको डीएनए को निकालते करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगला है, बाय द यूज ऑफ डिटर्जेंट द सेलुलर प्रोटीन्स आर मेड टू डिजॉल्व सो दैट डीएनए गेट फ्री आउट द सेल्स। तो जब आप डिटर्जेंट का यूज करते हैं लिक्विड, तो जो सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं, और जो डीएनए होती हैं वो सेल्स से फ्री हो जाती हैं। अगला तीसरा पार्ट देखें, द पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयन्स ऑफ द साल्ट सोल्यूशन सील्ड द नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स असिस्टिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ डीएनए आउट द सेल्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप हैं डीएनए को प्राप्त करने के लिए। अगला देखेंगे, सिंस डीएनए इज इनसॉल्युबल इन एथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल, दिस सॉल्वेंट यूज टू प्रेसिपिटेट डीएनए आउट ऑफ द सेल इनटू द एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल लेयर। तो आपको क्या बताया गया है, जो डीएनए होता है किसमें इनसॉल्युबल है, एथेनॉल में, और जो आप दूसरा लिक्विड ले रहे हैं आइसोप्रोपेनॉल में, इसलिए आप इन दोनों का यूज कर रहे हैं। जब आप इसका यूज करेंगे, जो डीएनए हो प्रेसिपिटेट के रूप में सेल्स से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एक लेयर बन जाएगी आइसोप्रोपेनॉल अथवा एथेनॉल की। तो डीएनए क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा,
व्हाइट मटेरियल इन दी एथिनॉल लेयर में, एथिनॉल लेयर के साथ साथ एक सफ़ेद कलर के मटेरियल के रूप में डीएनए आपके अलग हो जाएंगे। दी सेल डिब्रिस एंड प्रोटीन मटेरियल सेटल एट दी बॉटम्स, और सेल क्या हो जाएगी, डिब्रिश होगी, और जो प्रोटीन मटेरियल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बॉटम पे सेट हो जाएंगे। तो ये आपने देखा कि किस टाइप से जो प्याज है आपका, ओनियन है, इसके अलावा कलीफ्लावर से भी आप निकाल सकते हैं डीएनए, कलीफ्लावर में भी डीएनए आप निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रोसीजर कैसे करेंगे, किस किस विधि के द्वारा आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं, कौन कौन सी विधि आपको अपनानी होगी। तो इसमें देखेंगे, टेक दी सैंपल ऑफ ओनियन, आपको क्या करना है, ओनियन का एक सैंपल लेना है। चोप दी ओनियन एंड ग्राइंड इट विद दी हेल्प ऑफ मोटर एंड पेस्टल, तो या तो चोपर की सहायता से ओनियन को चोप कर लीजिए अथवा ग्राइंड कर लीजिए, यानी जो ग्राइंडर है मिक्सर ग्राइंडर, बहुत पेस्ट एकदम मत बना लीजिए, थोड़ा सा ग्राइंड ही रहने दीजिए, अथवा क्या करिए जो मोटर एंड पेस्टल की सहायता से उसको क्रश कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, ट्रांसफ़र दी ग्राइंड ओनियन इंटू दी 500 ml बीकर, जो आपने ओनियन को ग्राइंड किया है उसको क्या करना है, 500 ml बीकर में रख देना है। अब क्या करना है, दूसरा एनादर 250 ml बीकर लेना है। टेक अबाउट 10 ml ऑफ लिक्विड डिटर्जेंट, उसमें क्या करना है, जैसे लिक्विड वाला जो डिटर्जेंट आता है उसमें 10 ml डाल देना है। टू इट ऐड अबाउट 2 ग्राम ऑफ टेबल साल्ट, आपको इसमें 2 ग्राम नमक डाल देना है टेबल साल्ट, एंड 4 to 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, और 40 से 50 ml का डालना है डिस्टिल वाटर डालना है। तो इतना प्रोसेस तो आप आसानी से कर ही ले जाएंगे। अगला है, पोर दी कॉन्टेंट ऑफ दिस बीकर इन टू दी बीकर कॉन्टेनिंग ग्रेडेड ओनियन, तो जो आपने 250 ml के बीकर में सब किया है उसको क्या करना है, उड़ेल देना है उस बीकर में जिसमें आपने ग्राइंडेड ओनियन को रखा हुआ है 500 ml वाले बैटर में डाल देना है। अब क्या करना है, स्टिर द मिक्सचर प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड की सहायता से 2-3 मिनट तक इस मिक्सचर को चलाना है, मिक्स कर देना है आपको, हिला देना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्या करेंगे प्रोसेस, स्लोली हीट दिस बीकर ऑन ए हीटिंग मेंटल फॉर 4 to 5 मिनट एट दी टेम्परेचर ऑफ अबाउट 4 degrees Celsius, ओवर हीट नहीं करना है कि जल ही जाए पूरा, आपको धीरे धीरे 4 से 5 मिनट तक इसको हीट करना है 40 degrees Celsius पे। अगली प्रोसेस देखेंगे, कीप स्टिंग द मिक्सचर्स कूल्ड द कंटेंट एंड फिल्टर्स, जो आपको मिक्सचर्स मिला उसको कूल करना है और फिल्टर कर लेना है। अब देखेंगे, डिस्कॉर्ड दी सॉलिड पार्ट एंड कीप दी फिल्ट्रेट, दो पार्ट मिलेंगे, एक सॉलिड मिलेगा एक फिल्ट्रेट मिलेगा थोड़ा बहुत जो होगा। पोर सम फिल्ट्रेट इन दी पेट्री डिश, आपको क्या करना है, जो फिल्ट्रेट आपने निकाला है उसको पेट्री डिश में रख लेना है, एंड प्लेस इट इन आइस वाटर बाथ, और एक बर्फ से भरा हुआ आपके पास वाटर बाथ होना चाहिए, और इस पेट्री डिश को उसमें रखेंगे। अगला प्रोसेस क्या करेंगे, एड ब्री सुरूरी एथिनॉल टू दी फिल्ट्रेट इन पेट्री डिश, जो पेट्री डिश में आपने फिल्ट्रेट रखा हुआ है उस पेट्री डिश में धीरे धीरे करके आपको क्या डाल देना है, एथिनॉल डाल देना है। हम बता रहे हैं कि आप लैब में प्रैक्टिकल अगर सारे सामान दे दिए जाएँ तो बहुत अच्छे से आप कर ले जाएंगे, कुछ भी इसमें करना नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही सारी प्रोसेस करनी होगी। तो उसमें धीरे धीरे एथिनॉल डालेंगे, इमिडिएटली क्लाउडीनेस विल अपीयर इन दी पेट्री डिश, जो क्लाउडीनेस तुरंत जैसे डालेंगे एथिनॉल, क्लाउडीनेस आ जाएगी, अब दिखाई देगा पेट्री डिश में। आफ्टर 2 मिनट्स व्हाइट थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर विल स्टार्ट अपेयरिंग टू दी टॉप, 2 मिनट बाद एक सफ़ेद धागे के जैसे स्ट्रक्चर्स आपको मिलने लगेगी टू दी टॉप, एंड सेल कंपोनेंट विल सेटल एट दी डाउन, और जो सेल कंपोनेंट्स होंगे वो बॉटम पे क्या होने लगेंगे, सेटल होने लगेंगे। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीएनए फ्रॉम दी ओनियन, जो यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगी वही प्याज वही ओनियन का क्या होगा, डीएनए एक्सट्रैक्शन होगा। तो इस टाइप से बहुत आसान है वाला प्रैक्टिकल आपके लैब में करना, बहुत ज़्यादा सामान की भी रिक्वायर्ड नहीं होती। कुछ प्रैक्टिकल तो ऐसे भी हैं कि जो आपके केमिकल्स ही नहीं मिल पाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिन पे बैन हो गया है, तो इसीलिए उस वजह से भी कुछ प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाते हैं लैब में।
तो ये वाला प्रैक्टिकल बहुत आसान है, सबके यहाँ ये प्रैक्टिकल आसानी से हो जाता है। तो इसके ऑब्जेक्ट भी हम बताएंगे क्या आपको लिखना है। ऑब्जेक्ट आपको लिखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम ओनियन अथवा आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ओनियन, इस टाइप से आप लिखेंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को शेयर करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। और हमारी जितनी भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं वो हमारे टीचमेंट ऐप पे स्टार्ट होंगी। जो भी स्टूडेंट टीचमेंट ऐप को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वो क्लासेज आपकी पेड क्लासेज होंगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन।